अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों अज असी आए रकबे दे विच तुहानू कणक दा विजिट कराउने आ। साडे इलाके दे विच कणक बड़ी डाढ़ी सी, एक पूरे रकबे दे विच ही ते कणक जिहड़ी ना तकरीबन डिग बहुत ज़्यादा गई है। जिहड़ी परसों बारिश आई है ते उस बारिश दे नाल बाकियां दा तां गुजारा थोड़ी बहुतियां ही तौड़ियां डिगियां ने, ते इस रकबे दे विच काफ़ी कणक डिग गई है। कणक बड़ी डाढ़ी सी, फसी कणक सी। आ वेखो अगे तुहानू विखाउने आ, बहुत काफ़ी रकबा डिग्गिया होया। कणक भी तकरीबन ए दो प्लाट ने 10 किले जगह, 10 किलों के विचों कुछ भी ना डिगी हुई, तो 5 किलों का सिर तो मेरा ख्याल लै गया होना, नुकसान तो होया बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ही माफ़ करे जी, अल्लाह सारा दिया फसलों बचाई रखे। फसलों का एंड लगे हुए बिल्कुल, दिन तो 15-20 दिन के मुकम्मल हो जाए ने। इधरला प्लाट भी इस तरह डिग गया, इधरला प्लाट देखो बहुत ज़्यादा डिगी है। अज इन्हें एक पानी लेना सी, मगर जिहड़ी पोजीशन बन गई है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। ये तो हुण दाणा मैनूं लगदा बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आ देखो कणक तो इत्थे काफ़ी सारी है, तकरीबन 20 किले, पर यह दो प्लाट जड़े ना ये बहुत ज़्यादा डिग गए हैं। है भी पतरेरां दी है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया होया। खाद की गिनती कोई नहीं, जिन्नी इन्होंने खाद पाई है, पर तोड़ सुख की चढ़ी नहीं, खाद की कोई गिनती नहीं है। बस ट्राले भरी आए हैं तो पाई आए हैं, इस वजह तो मेरा ख्याल डिगी है कि वजनी बहुत ज़्यादा सी, ऐसी बिल्कुल कच्ची। तोड़ तक तुम विखाने वेखो, वेख के बंदे का दिल दुखदा। साडे इलाके दे विच है भी ज़्यादातर 6 महीने की फसल ही है, जिहड़ी सोनी दी हुंदी है वह तो इन्नी आमदन वाली नहीं होंगी, साडा रेतलिया जिहा इलाका। तो ये छमाई जिहड़ी है ना इस रकबे की तो थोड़ी जी गलती हो गई है। मेहनत भी बड़ी की हुई तो खर्चा भी बड़ा किया हुआ, पानी ही को साढ़े नालों इन्हें चार वध ही होंगे ना, तो खाद के गट्टू भी 30 किले नाल दो वध होंगे ना। बाकी अगे मैं एक वीडियो देखी है दोपहरे यूट्यूब ते, बंदा मशवरा दे रहा सी जी हरी फसल में पानी लाओ, जदों रंग तब्दील करन लगे तो उन्हूं पानी ना लाओ, कणक दी गल कर रहा सी। असल दाने दा जिहड़ा वजन बनता वह तो जदों कणक भूरा कर रंग करन लगे उदों पानी लाने नाल ही बनता ना, उहदी गल मेरी तो कोई समझ नहीं आई। करदे तां असीं भी जमींदार ही। देखो जी